मध्यप्राच्य वर्तमान जहां घटुछि ताहा एक अभिशप्त इतिहास होई चिरकाल पई रहिथिबो। इज्राइल युद्धर गति एबे सेठारे आउ सीमित होई रही नाही, धीरे धीरे यह सारा विश्व को व्यापीबारे लागिछि। विशेषकर शक्तिशाली राष्ट्रगुड़िक प्रभाव एबे जोरदार पड़ुछि। कूटनीति और राजनीति में धूरीण योद्धा माने एबे इज्राइल युद्ध को एक बड़ विश्वयुद्ध में परिणत करिवार प्रयास करुछन्ति। तेबे कौन सतरे पश्चिम एशिया आरंभ हेब यह विश्वयुद्ध? नमस्कार, मु तपन। तेबे चलंतु आरंभ करिबा हमर आजिर स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम एशिया जो अशांति सृष्टि आगकु भयंकर रूप नेबाकु जाउछि। इज्राइल युद्ध आलरे तृतीय विश्वयुद्ध पाई बाजी सारी बिगुल, आउ एही विश्वयुद्ध एते भयानक हेबो जे ताहा कल्पना करिबा भी बहुत मुश्किल। दुनिया देखिबो आउ एक विश्वयुद्ध, भयंकर हेउछि इज्राइल युद्ध, पश्चिम एशियारु विश्वयुद्ध। भयंकर युद्धर प्रस्तुति, मध्यम प्राच्यरे हेब महायुद्ध, आउ ए महायुद्धर संलाप लेखुछि सुपर पावर आमेरिका। हमास को माटिरे मिसेइबार प्रतिज्ञा डाकि आणुछि भयंकर युद्ध। इज्राइल को खोलाखोली समर्थन करुछि आमेरिका। तेणु इज्राएल और हमास युद्ध जदि आगक बढ़ तेज युद्ध ईरान, लेबानन और सीरिया ओल्लार आशंका बढ़ी। परिस्थिति रे इज्राएल को सहायता करने युद्ध मैदान को ओह्लि आमेरिका। इज्राएल को सामरिक सहायता सहित सब प्रकार सहायता जारी बोली निकटे गस्त कर आमेरिका राष्ट्रपति कही। आमेरिकार वैदेशिक सचिव आंटोनी ब्लिंकन इज्राएल गस्त कर इज्राएल सपक्ष में युक्ति भी बाढ़ी। Strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. आमेरिका निजर दुईट एयरक्राफ्ट क्यारिययर को इज्राएल को पठाई। यूएसएस जेराल्ड आरफोर्ड एवं यूएसएस आइजन हार्बर। यूएसएस जेराल्ड आरफोर्ड सहित बारटी क्यारिययर स्ट्राइक ग्रुप रही थाए, अनपटे यूएसएस आइजन हार्बर सहित दुईट क्यारिययर स्ट्राइक ग्रुप थाए। या व्यतीत आहरी अनेक घातक मिजाइल और लड़ुआ विमान भी भूमध्य सागर निकट में पहुंची सारी। मध्यप्राच्यर युद्धर परिभाषा एबे धीरे धीरे बढ़िवार लागिछि। खाली इज्राएल हमासर युद्ध नुहे, एबे ता भितरे अनेक देश धीरे 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 सामिल होबार लागिछन्ति। एपटे आपण देखंतु ओआईसी रो मेंबर जो माने अछन्ति वर्तमान सीधा सलख मुस्लिम कंट्री माने तांको सरकार को जो चाप पकाउछन्ति जे इज्राएल विरोध करिवा पई। एवं एपटे जदि आमे देखिबा अन्य पक्षरे इज्राएल को समर्थन करुछन्ति 84 रु 85 टी देश, जोथिरे अमेरिका होची तंकर लीड रही। वर्तमान अमेरिका सीधा सलख जपर युद्धपत्र सब रेडी करे रखी, एथर लगुच आगामी बहुत शीघ्र यही विश्वयुद्ध जो तृतीय विश्वयुद्ध आम आशंका करुच्छ जहाँकि रशिया यूक्रेन पाखर लिखा जा ना, वर्तमान से युद्ध इज्राएल हमास युद्ध आरंभ हबार बहुत सन्देह कर। तेज तृतीय विश्वयुद्ध हेले परमाणु अस्त्र में लिखा विनाश्र कहानी, कारण सब शक्तिशाली देश पाखे अच्छी परमाणु अस्त्र। आउ निकटने रूसिया और उत्तर कोरिया और अमेरिका करिछंती परमाणु परीक्षण, आउ ईरान मध्य निजर परमाणु अस्त्र रो बटन धरी सुजोग रो अपेक्षा करी रहिछि। आशंका करा जाउछि जे जदि वर्तमान स्थिति रे युद्ध विराम न हुए तबे समग्र मध्यप्राच्य रे भयंकर युद्ध होई पारे, कारण लेबानन और सीरिया सहित इज्राएल रो उत्तर सीमा रे भयंकर युद्ध लागि रहिछि। लेबानन और सीरिया रु रॉकेट द्वारा आक्रमण करा जाउछि, फलरे उत्तर सीमा रे इज्राएल सैन्य मृतन संख्या वृद्धि करुछि। सेपरि दक्षिण सीमा रे इज्राएल लगातार गाजा उपरे करुछि एयर स्ट्राइक। इज्राएल लड़ुआ विमान
लगातार गाजा उपरे आक्रमण करुछि। हमास को ध्वंस करिया पई इजराइल निजर शक्तिशाली लड़ुआ विमान सबको युद्ध मैदान को ओल्लै देछि। हमास रो फाइटर्स गुड़ी को नष्ट करिया पई इजराइल रो लड़ुआ विमान संपूर्ण भाव एक्शन मोड रे अछन्ति। इजराइल रो एयर स्ट्राइक रे दोहली पड़ी गाजा। इजराइल रो लड़ुआ विमान गुड़ी को हमास उपरे जोरदार आक्रमण करुछन्ति, फलरे बड़ बड़ अट्टालिका गुड़ी को तास खर भली भुसुड़ी पड़ी। अभी जस्ट एक धमाका सुना और इसी तरह से रह रहकर धमाके की आवाज आ रही है, लगातार हमला किया जा रहा है। ये सामने देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है इधर शहर नुमा एक आपको दिख रही आकृति करम दिखाइए, इधर से थोड़ा साफ दिखेगा, इधर से साफ दिखेगा, ये देखिए शहर नुमा आकृति जो आपको दिख रही है यहाँ से, वो गाजा में पड़ता है। सामने करम दिखाइए, वो सामने, ये सब गाजा के अंतर्गत आते हैं। क्लोज करके दिखाइए, तो आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे गाजा पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, कैसे इजराइल की सेना ने लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया। सेपर ईरान एक बड़ युद्धर आभास देछि। इजराइल को चेतावनी दे ईरान कहिछि जे जदि युद्ध बंद न हुए तबे आगकु एहा अन्य दिगकु माडी जाई पारे। सेपर लगातार मुस्लिम देशगुडिकर विभिन्न इस्लामिक संगठनगुडिक सहित सेमानक सरकार उपरे चाप पकाउछन्ति। इजराइल विरुद्धरे आक्शन नेबाकु एहि संगठनगुडिक दाबी करुछन्ति। सेपरि हिजबुला समेत विभिन्न संगठनगुडिकु ईरान अस्त्रशस्त्र जोगाउथिबा अभियोग होइछि। एभळि परिस्थितिरे हिजबुला युद्ध मैदान को सीधा सड़ख ओह्लै पारे। रुषिया चीन उत्तर कोरिया भली देशगुड़िक मध्य युद्ध में मुंड पुराउछन्ति, फल आगकु एहा महा विपद माड़ी आसुथिबा आशंका देउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। इजराइल युद्ध भितरे हिजबुला को कड़ा चेतावनी देइछन्ति प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। हिजबुला बा लेबानन जदि युद्ध रे जोग दिए तेबे परिणाम अत्यंत भयंकर हेब। सेपटे हिजबुल्ला भूमिका को नहीं सृष्टि होइछि एक बड़ प्रश्नवाची। हिजबुल्ला को अल्टीमेटम, इजराइल प्रधानमंत्री को कड़ा चेतावनी, इजराइल युद्ध रे दिनकु दिन देखिबा को मिलुछि नुआ नुआ ट्विस्ट। इजराइल सेना गाजारे करुछन्ति जबरदस्त आक्रमण, घन घन रॉकेट माड़ और बोमा वर्षा देखि हमास छाती रे छनका पशिछि। एहरि भितरे हिजबुल्ला को दिया जाइछि अल्टीमेटम, आउ एहि कड़ा चेतावनी देइछन्ति इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जेउ हिजबुल्ला को नेतन्याहू चेतावनी देइछन्ति सेई हिजबुल्ला विषय रे आज आमे आपनकु विस्तृत भावरे कहिबु, किंतु ता पूर्वरु प्रथमे नजर पकांतु कौन कही चेतावनी देइछन्ति इजराइल प्रधानमंत्री। तांकर कहिबा कथा हिजबुल्ला बा लेबानन जदि युद्ध रे जोग दियंती तेबे परिणाम भयंकर हेब। एहा सह सबु प्रकारर परिस्थिति पई इजराइल प्रस्तुत थिबा नेतन्याहू कहिछन्ति। אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. नेतन्याहू गाजा सीमा को परिदर्शन समय कठिन परिस्थिति रे देशर नीति और शत्रु मानंकु मुकाबला नै सैनिक मानंकु सूचना देथिले। एई अवसर रे से आईडीएफ कॉम्पैक्ट ब्रिगेड को संबोधित मध्य करथिले। अतेम ओगिम अंशे हिजबुल्ला शमनसिम नितकोफ सह सह आतंकवादी को निपात करबा सहित अनेक साधारण नागरिकंकु बंचाइथिबारु से ब्रिगेड रो प्रशंसा करथिले। तेबे जेउ हिजबुल्ला को इजराइल प्रधानमंत्री अल्टीमेटम देइछन्ति से हिजबुल्ला हेउछि लेबानन एक सिहा आतंकवादी संगठन। लेबानन सेना ठारु मध्ये हिजबुल्ला हेउछि अधिक शक्तिशाली। इजराइल उत्तर को रहिछि लेबानन आ लेबानन दक्षिण रे एक्टिव अछि हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन।
हिजबुल्ला हेउची लेबानन रे थिबा एको सिया आतंकवादी संगठन तबे जेतु आमे लेबानन बिषयरे कथा होचंती मु आपनको टिके मैप को नै जेबे एवं लेबानन केउटो जे आपनको टिके देखाइबी ए होची इजराइल रो मैप जहां आमे युद्ध आरंभ होबार प्रथम दिन रो देखुचे तबे इजराइल रो उत्तर को रहिची लेबानन एवं लेबानन रो दक्षिण रे बा एई जो आपन लाली एरिया देखुचंती ए होची लेबानन रो देश एवं लेबानन रो दक्षिण रे हिजबुल्ला आतंकी संगठन एक्टिव अच्छी जहाँ को इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेंजामिन चेतावनी देखते कौन सी प्रकार रे जदि लेबानन लेबानन ने एक्टिव थिवा जदि हिजबुल्ला आतंकी संगठन इजराइल उपरे बा ए युद्ध को ओल्लाए तबे परिणति भयंकर हबो। शक्तिशाली हिजबुल्ला पाखरे अस्त्रशस्त्र अछि एकाधिक देश एहाकु सहायता मध्य करूछन्ति। 1943 मसीह रे लेबानन ने होइथिबा गृहयुद्ध जे एते बड़ आतंकवादी संगठन को जन्म देबो ताहा केही केबे भी कल्पना करि नथिले। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन रो रिपोर्ट अनुसार 1943 रे लेबानन स्वाधीन हैला। स्वाधीन लेबानन नुआ नेता एक जातीय चुक्ति कले आउ सेई चुक्ति अनुजाई सेठाकर सरकारी क्षमता को विभिन्न धार्मिक गोष्ठी को मध्यरे बांटी दिया गला। फलरे सुनी मुस्लिम प्रधानमंत्री मेरोनाइट ख्रिस्टियन राष्ट्रपति एवं सिहा मुस्लिम वाचस्पति भावरे दायित्व निभाइले। ସେମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଡାକି ଆଣିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ। ଲେବାନନରେ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସିବା ଫଳରେ ସୁନି ମୁସଲିମଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଫଳରେ ସିହାମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣଦେଖା କରାଗଲା, ଯାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା। ହିଜବୁଲ୍ଲା ଯାହା ଏହା ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେମିତିକି ସିରିଆ ଲେବାନନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲି ହଉ କିମ୍ବା ମିଲିଟାରିଲି ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦେଖାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ହେଜବୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଥିଲେ ସିରିଆର ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇକି, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆଉ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ପନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଟାକ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଉନ୍ନତକର ହୋଇଆସିଛି। ଏହାପରେ 1971 ମସିହାରେ ପାଲେଷ୍ଟିନିଆନ୍ ଲିବରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନିଜର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଜର୍ଡାନରୁ ଲେବାନନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲା। ଏହାପରେ ଲେବାନନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ। We as Hezbollah contribute to the confrontation. 1972 ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଲେବାନନ ଧରାଶାୟୀ ହେଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା ପିଏଲ୍ଓ, ଆଉ 1982 ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପିଏଲ୍ଓକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି କବ୍ଜା କଲା। ଏହାପରେ 1983 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ବେରଟରେ ଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେଥିରେ 63 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 65 ଜଣ। ତେବେ ଏହି 2 ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିଲା ହିଜବୁଲ୍ଲାର ହାତ। ହିଜବୁଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଲେବାନନରେ ଥିବା ଏକ ସିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଏଇ ଲେବାନନରେ ଯେଉଁ ସେନା ରହିଛି ବା ଲେବାନନରେ ଥିବା ମିଲିଟାରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। 1972 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେବାନନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଲେବାନନ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଠିକ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ ଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲିବରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ପିଏଲ୍ଓ, ଏହାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିଏଲ୍ଓ ଯିଏକି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲିବରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ବା ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଠିକ 1982 ମସିହା ପରେ ପରେ 1982 ମସିହାରେ ଏହି ପିଏଲ୍ଓକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜର ସେଠି ସେହି ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା, ବା ସେଠାରେ କହିପାରିବା ଆମେ ସାଉଥ୍ ଲିବରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ସେଠି ସେ ସ୍ଥାପନ କଲା ସେହି ଟେରିଟୋରିକୁ ବା ସେହି ଜାଗାକୁ ତା'ର ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ 1982 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପିଏଲ୍ଓକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ କବ୍ଜା କରିନେଲା, ଏଇ କଥାଟି ଯେଉଁ ଆମର ଲେବାନନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସିଆ ମୁସଲିମମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶକୁ କବ୍ଜା କରି ବସିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ 1982 ମସିହାରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ, କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେବାନନରେ ଥିବା ସିଆମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏବଂ 1982 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପରାସ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ
सेबेठारु ही 1982 मसीहारु जन्म हला हिजबुल्लार एवं 1985 मसीहारे ताकु स्वीकृति मिलला हिजबुल्ला को। 1984 रे मध्य हिजबुल्ला विभिन्न हिंसा करथिला एहर एक वर्ष परे अर्थात 1985 मसीहारे हिजबुल्ला जारी करथिला ताहार प्रथम मैनिफेस्टो सही वर्ष ही हिजबुल्ला को मिलथिला स्वीकृति। यहाँ पर 1997 रे अमेरिका हिजबुल्ला को विदेशी आतंकवादी संगठन भाव में घोषित कला। यहाँ पर 2005 रे लेबानन प्रधानमंत्री रफिक हरीर को हत्या करा गला। एही हत्या पछरे मध्य हिजबुल्लार हात थिबा जणा पडिथिला। 2006 लेबानन युद्ध रे हिजबुल्लार रहिला प्रमुख भूमिका। हिजबुल्ला दुई जण इजराइली सैनिकों को अपहरण करि नेथिला फळरे इजराइल सहित एक बड़ युद्ध होइथिला। एथिले लेबानन 1000 अधिक लोक प्राण हराइथिले एवं इजराइलर 50 जणकर मृत्यु घटिथिला। 2006 मसीहारे जेतबेले इजराइल आउ पूर्ण थरे लेबानन न दक्षिण रे इजराइल आउ ए जो लेबानन न दक्षिण रे थिबा ए जो हिजबुल्ला प्रति पूर्ण थरे एक युद्ध हला पूर्ण थरे आक्रमण हला ए दुई देशक मध्य रे तबे सेतबेले हिजबुल्ला रो भूमिका मध्य प्रमुख थिला। 2004 ए युद्ध लंबा 35 दिन पर्यंत चलला एवं एथरे अमेरिका रो हस्तक्षेप पर जाय ए युद्ध जहा जुलाई मसीहारे आरंभ होइथिला जुलाई 12 मसीहारे ता अगस्त मासारे अमेरिका रो हस्तक्षेप पर कोनडा कोटी स्थिति शांत पडला एवं 2006 रे जो प्रमुख हमर होची इजराइल बा लेबानन वार ताहा मत तार टिके विराम लागिला। यहा परे विभिन्न समय रे हिजबुल्ला विभिन्न प्रकार रो हिंसात्मक कार्य घटाइछि सेतिपाई यूरोपियन यूनियन मध्य 2013 रे हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन भाबरे घोषणा करथिला। 2018 रे दक्षिण लेबानन नु इजराइल पर्यंत सुडंग करा जायतिबा इजराइल खोजी बाहर करथिला। युचर 19 रे सरकार को विरोध रे प्रबल विरोध प्रदर्शन हेबारे लागिला। जेउ राजनीतिक दल गुडी को लेबानन सरकार को विरोध करथुले तन मध्य रे हिजबुल्ला मध्य थिला। चाप एते मात्रा रे पडिला जे प्रधानमंत्री साद हरीर को इस्तफा देबा को पडिला। अभी तो बड़ा जिनस होचे एटा होचे ए रीजन मानकर गोटे इंटरनल वॉर सेति पई का ए रीजन रे थिबा जो राष्ट्र माने सेमानु को मिसि की केमती युद्धटी को समाधान करिवार प्रक्रिया रे केमती सहयोग करि हबो से विषय चिंता करिवा दरकार ना कि खाली शक्तिशाली राष्ट्र मानक सांगरे मिसि की केमती एस्केलेट करा जिवो से केमती युद्ध को जितिबार मनोवृत्ति न नै समाधान रो मनोवृत्ति नेले निहाति भाबरे किछि आशा। तबे हिजबुल्ला रे प्राय 100,000 लढुआ आतंकवादी अछन्ति सेहिपरि ही आतंकवादी संगठन पाखरे अछि 600,000 रु अधिक रॉकेट सेतिपई हिजबुल्ला अधिक शक्तिशाली भाबरे विवेचना करा जाय। अन्यपटे संगठन को विभिन्न मुस्लिम देशरु मध्य अनेक सहायता मिलुछि। इजराइल युद्ध एवं भिन्न भिन्न मूल ने तेणु हिजबुल्ला जदि यह युद्ध सीधासलख लड़े तेज इजराइल यह भयंकर आक्रमण कर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एबे नहीं जीवा एको छोटिया ब्रेक आउ ब्रेक पर देखिबा इजराइल युद्धर आउ किछि ताजा अपडेट। ब्रेक पर स्वागत। इजराइल युद्ध रे गेम चेंजर साब्यस्त हेब आयरन स्टिंग। हमास विरोध रे इजराइल डिफेंस फोर्स रो नुआ युद्धास्त्र। गाजा स्ट्रिप रे हमास उपरे भयानक आयरन स्टिंग ऑपरेशन करूची इजराइल। सबडे गाजा रे जारी रहीची इजराइल सेना रो आक्रमण फल रे बढ़ी चलीची मृत्यु संख्या। घन घन बोमा माड़ गाजारे बोमा रॉकेट वर्षा। हमास 7 तारीख अतर्कित आक्रमण पर ठारु रक्तमुखा इजराइल सेना गाजा स्ट्रिप उपरे जारी रखिछन्ति जोरदार आक्रमण। गत 24 घंटे गाजार जनगहलीपूर्ण अंचल रे इजराइल करिछि भयंकर आक्रमण। देखंतु केमिति होइछि बोमा माड़। आउ ए होची बोमामाड़ भयंकर प्रभाव। सबकि छारखार
सबकि भांगिजी मार सबकि ध्वस्त विध्वस्त गत 24 घंटे गाजा उपर इज्राएल सेनार आक्रमण में अति कम्रे 400 लोकों मृत्यु हो चौबीस घंटा पूर्वर एसबू था बड़ बड़ अट्टाड़िका एटि भी रोते लोके किंतु एबे तार अवस्था देखु कौन हो घर मटी मिशा बेले लोके हर सर्वस्व किए कंबल दिखंड खोजी पाई तो आउ किए भंगा कोठादलू किसी चामच पाई ब्याग्रे सी रखुंट युद्ध इज्राएल जितब कि हमास कह मुस्किल किंतु मात्र 18 दिन युद्ध गाजा जहा किसी हर गाजा लोके जहा किसी हर तार भरणा केवे भी हो पारा भाई आशा कम सोमवार सकालु गाजा उपरे बोमाड़ जोरदार करिछि इज्राएल फोर्स गाजा स्ट्रिप 320 मिलिटरी हाइड आउट को करिछि टार्गेट विशेषकर हमास एवं इस्लामिक जिहादी आतंकवादी माने लुचि रही सुरंग को टार्गेट करिछि आईडीएफ केन्द्रीय एवं उत्तर गाजारे हमास एवं इस्लामिक जिहादी आतंकी लुचि रहिथिबा संदेह करिछि इज्राएल सेना 18 दिन आक्रमण में गाजा स्ट्रिप 4600 अधिक जीवन जाता बेले इज्राएल प्राण हर 1400 अधिक गाजा को इज्राएल छारखार कर सारा दिन ना राति ना गाजा स्ट्रिक उपरे घन घन आक्रमण जारी रखी इज्राएल सेपटे इज्राएल प्रति आमेरिका तार समर्थन दोहराई चली Israel thrives, they survive, Hamas is destroyed, and the Palestinian people have a better life. That's how this has to end. So we're here today to give Israel what they need to do the job of destroying the modern day version of Nazis, Hamas. We're here today to tell Iran we're watching you. Bureau report, News 18 Odia. Hamas o Hezbollah ro shakti ko nei sara biswa jaha bi bhabu semane kintu ebe Israel pai kala bhavare chida hoichanti मुस्लिम देशगुड़िक हमास और पालेस्टीन को जो भाई भाव में समर्थन करुछंती जनापड़ी जे गाजापटी इज्राइली सेना कबरस्तान में परिणत तो हो पाए दाबी यह भी करा जे हिजबुल्ला और हमास रो रॉकेट शक्ति इज्राइल पाई मृत्युर वर्षा करने प्रस्तुत होदी विश्वजुद्ध हुए तेरे ताहार परिणाम केते जे भयंकर हेब ता समस्त कल्पना बाहर आज स्पेशल रिपोर्ट रे एतिकी नमस्कार।